नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। लखनऊ में परिनिर्वाण दिवस पर सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो आपको बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, जिसके मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लखनऊ में ये आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि सुमन भी उन पर अर्पित किए। वहीं लखनऊ में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सीएम योगी ने संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, अब वो आपको सुनाते हैं। बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है, वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम। पूरी दुनिया के अंदर हर वह दवा कुचला व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो वह नाम वह स्मरण करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निज सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पंच तीर्थों की स्थापना का कार्यक्रम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। हमने समाज को जाति के आधार पर नहीं, हमने तो समाज को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर कमजोर व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है और सरकार उसको संबल प्रदान करेगी, इस दृष्टि सरकार ने उसको अपना सहयोग देना प्रारंभ किया। भैया बहनों, 2014 के पहले एक सपना होता था आवास। आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे, 20,000 में कोई आवास बन पाता है क्या? और जो नहीं बना पाता था उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो जाती थी। आज देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों के पास अपना पक्का आवास है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर आवास की सुविधा दी है। और अभी भी एक लक्ष्य है कि जो बचे हैं उनको भी उपलब्ध करवाएंगे। गांव हो या शहर, हर दलित को, हर वंचित को, हर गरीब को इसकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। शौचालय बने, 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य, मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका उपचार था, उसका विकल्प था, हम हर घर में शौचालय बनाए। ये कुप्रथा पर प्रहार तो था ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों, दबे कुचले समाज को बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की उन बीमारियों से मुक्त करने का एक अभियान भी था, जिसका पैसा आज उसका बचता है, परिवार खुशहाल होता है। याद करिए कि हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पहले की सरकारें क्यों नहीं दे रही थी, सरकारी तो भी चला रहे थे। दुर्भाग्य से कोरोना अगर 14 के पहले आया होता क्या होता, कोई बच पाता? आप होते या हम होते कोई बच पाता? क्योंकि सरकार स्वयं भाग गई होती, सरकार के पास कोई दृष्टि नहीं थी। मैं बार बार उल्लेख करता हूं, 1977 में एक बीमारी आई थी उत्तर प्रदेश में, इंसेफ्लाइटिस की। 40 वर्ष में इस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई थी और इस बीमारी से 90% मौत दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के होते, बच्चों की होती थी। आज जब डबल इंजन की सरकार आई, एक साथ मिलकर काम किया,
भाइयों बहनों, आज इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। अगर स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय नहीं बनते, हर घर नल योजना में पेयजल की व्यवस्था नहीं होती, व्यापक अभियान दोनों सरकारें मिलकर के नहीं चलाती, इंसेफ्लाइटिस कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे ही कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीडरशिप स्वयं अपने हाथों में लेकर के एक एक कार्यक्रम की निगरानी की। गरीब को राशन मिलना है तो राशन उपलब्ध कराओ, काम नहीं तो भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराओ, बीमार हो गया तो टेस्ट करो, उपचार की आवश्यकता तो फ्री में उपचार दो, और भाइयों बहनों फिर फ्री में वैक्सीन भी दिया तो फ्री में राशन की सुविधा भी दी। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। दुनिया में बड़े बड़े विकसित देश हैं, प्रति व्यक्ति आय वहां दुनिया की सर्वाधिक है, लेकिन वे अपने लोगों को नहीं बचा पाए, क्योंकि सबसे प्रभावी दो वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के अंदर विकसित करवाई और भारत के हर नागरिक को बिना भेदभाव के इन सुविधाओं का लाभ दिया। सरकार पहले चेहरा देख करके कार्रवाई करती थी, चेहरा देख करके लाभ देती थी। कोई दलित समर्थक होता था, कोई दलित विरोधी हो जाता था, लेकिन जो विरोधी थे वे तो विरोधी थे ही, जो समर्थक बनने का काम करते थे वे भी काम पक्ष में नहीं कर पाते थे, वे भी झुंझुना पकड़ाने का प्रयास करते थे, उनके नाम पे अपनी रोटी तो सेकते थे, लेकिन गरीबों के लिए वंचितों के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं कर पाते थे। पहली बार आपने होगा तब मोदी जी ने जाति मत मजहब के आधार पर नहीं एक ही नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ, जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं वो बड़ा है, या जो अपने नारे को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले, और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है? 26 नवंबर की तिथि को, अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने उन्हें विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी की रचित पुस्तक राम के पथ पर भेंट की। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन पर जवाब दिया। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है वो जरूर देखना। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द भी जानते हैं। और जब इनके आगे बढ़ाने की बात होती है
तब कई बार तो मान्यवर मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ढेर सारे सदस्यों के भाषण मैंने सुने भी है, पढ़े भी है मेरी चैंबर में। ये भाव सिर्फ नाम बदलने से क्या होता है वो समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। मान्यवर, आज जो बिल लेकर आया हूं, ये बिल के बारे में मैं थोड़ी पृष्ठभूमि भी बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं, जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय संघ के साथ इनके विलय का निर्णय किया, उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उतार चढ़ाव हुए। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं, मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ, वोट बैंक की राजनीति के बगैर, उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ता। मान्यवर, जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 157,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। और इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ कर रह गई। ये बिल उनको अधिकार देने का है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का। मान्यवर, कश्मीर के लिए एक प्रकार से तीन युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया, इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71, ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। सामने थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूं। ये वही कांग्रेस पार्टी है और इंडी अलायंस है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का काफी गुणगान किए थे। और आप सब जानते ही हैं कि यही पार्टी के एक 55 ईयर ओल्ड यंग मैच्योरिंग लीडर जब अपने छुट्टियों में जाते हैं बाहर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत के डेमोक्रेसी के बारे में
कहते हैं कि इट इज अंडर थ्रेट। और हमारा संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के, फ्री स्पीच के, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के फंडामेंटल राइट्स हैं, और आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 राइट टू फ्री स्पीच के एक 19(2) भी है जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डालते हैं फंडामेंटल राइट्स टू फ्री स्पीच पर। तो यही कांग्रेस पार्टी और यही 55-year-old मैच्योरिंग यंग लीडर जो भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट कहते हैं, उनके इस इंडी अलायंस के डिविजिव पॉलिटिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप। पहले तो वो रिलीजन के बेसिस पे डिविजिव पॉलिटिक्स खेलते हैं, उनके ही अलायंस के उदयनिधि स्टालिन कहता है कि सनातन धर्म इज डेंगी इज मलेरिया, डीएमके के 2G स्कैम के आर्किटेक्ट एंड विजनरी ए राजा कहते हैं कि सनातन धर्म इज इक्वल टू लेप्रसी एंड HIV, और इस पर कोई राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से कोई टिप्पणी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। ये राहुल गांधी जो आलू सोना जुपिटर एस्केप वेलोसिटी, भारत के संविधान, भारत के डेमोक्रेसी के बारे में काफी बोलते हैं, जब उनके इंडी अलायंस के मेंबर इंडी तोड़ो यात्रा और डिविजिव पॉलिटिक्स खेलते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। केरल में जाइए, उनका ही पार्टनर CPM, इंडी अलायंस के पार्टनर CPM, हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अक्टूबर 7 को 1400 लोग, ज्यूइश लोग, बिकॉज उनके फेथ के कारण उनको मारते हैं, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड को वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत देते हैं केरल में, केरल के युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए मौका देते हैं, और प्रोग्राम का नाम है अप्रूट हिंदुत्व। इस पर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कोई टिप्पणी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। यहां पर भारत जोड़ो यात्रा का कोई किसी के पास मेमोरी नहीं। केरल में कांग्रेस के ही MP राजमोहन उन्नीतान कहते हैं कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और वो जो भी करेंगे वो जस्टिफाइड है, और ऐसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स और हमास को सपोर्ट करने वाला कांग्रेस MP के बारे में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का कोई रिस्पांस नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। उनके ही इंडी अलायंस के पार्टनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुनीर कहते हैं वॉट एवर हमास डज इज जस्टिफाइड, जो भी हमास करता है वो जस्टिफाइड है। इसके बारे में भी राहुल गांधी, जिन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम को एक सर्टिफिकेट दिया था उनके एक फॉरेन ट्रिप में कि वो बड़े सेक्युलर पार्टी हैं, उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का। जो इंडी अलायंस के मेंबर टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रहे हैं खुला खुलेआम अपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, उनको ना तो क्लैरिफाई करना, ना तो क्लैरिफिकेशन इश्यू करना या उस पर टिप्पणी करना, कुछ नहीं हमारे कांग्रेस के 55-year-old मैच्योरिंग यूथ लीडर राहुल गांधी ने किया है, ना उनकी बहन प्रियंका गांधी। यही तो ये हो गया रिलीजन के डिवीजन, और वो नहीं चल रहा था तो उसके साथ साथ इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कास्ट बेस्ड डिवीजन की कोशिश की, और जैसे आज होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा
एक पार्टी जिसने डट के पिछले 70 साल से ओबीसी आरक्षण, ओबीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाने का उन्होंने अपोज किया है, वो आज कास्ट और डिवीजन के बात कहते हैं बिना कोई शर्म, बिना कोई हिपोक्रेसी के। भारत माता कौन है उसको भी लेकर इस इंडिया अलायंस और राहुल गांधी के डिविजिव पॉलिटिक्स वहां तक भी जाता है। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की अध्यक्षता में मिशन शक्ति प्रतिभा कार्यक्रम का समापन पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 में किया गया, जिसमें अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था आनंद कुलकर्णी, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय बबलू कुमार, पुलिस आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुरक्षा प्रीति यादव और पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सहयोगी संस्थाओं, विभिन्न विद्यालयों और मिशन प्रतिभाग मुहिम के अंतर्गत शिक्षक एवं कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़े स्लम एरिया के बच्चों को सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए मिशन शक्ति प्रतिभाग कार्यक्रम में नोएडा पुलिस की तरफ से विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर कमिश्नरेट में महिलाओं और स्कूल बच्चों को कानून के प्रति जागरूक किया गया। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस की महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई पूरी तरह से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है। महिला सुरक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न सशक्त प्रयासों, पहल और कार्यशैली से लोगों को अवगत कराने और आम जनमानस में महिला सुरक्षा को भावना जागृत करने के लिए विभिन्न विद्यालयों, पंचायतों, आवासीय सोसाइटी, छोटी बस्तियों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सार्थक कार्यक्रम डेमो आयोजित किए गए। कार्यक्रम में अधिक से अधिक महिला पुलिस बीट अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए लोगों को महिला सुरक्षा के विभिन्न आयामों के प्रति जागरूक किया गया। गौतम बुद्ध नगर के थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल समेत 6 अन्य मोबाइल बरामद किए गए। 28 नवंबर को थाना हाजा पर मोबाइल स्नैचिंग के संबंध में थाना हाजा पर वादी की तहरीर के आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान गौरव मिश्रा उर्फ गोलू और सौरभ के रूप में हुई है, जिन्हें सब्जी मंडी के पास कस्बा सूरजपुर से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।